हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने जो पौधा लाई हूँ इसका नाम है इम्पेशेंस। और इसका नाम इम्पेशेंस इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसे बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि वो अपने बीजों को अपने तक बनाए रखे। वो क्या करते हैं, जैसे इसके अपने बीज तैयार हो जाते हैं वो उस बीज को तुरंत खुद ब खुद उसके जो सीड पॉट है वो खुल जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। मैंने कई बार इसके बीजों को रखने की कोशिश की है, बहुत बार मैंने उसे एक दो बार तो मैंने कलेक्ट की, लेकिन जैसे मैंने उसे पकड़ा और तुरंत खुल गई और फिर बाहर की ओर गिर गई। तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसके सीड रखने चाहते हैं तो। सीड को आपको डेली ख्याल करना पड़ेगा, रोज का रोज उसको रूटीन वाइज आप चेक कीजिए ताकि आप उसके सीड ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में बताती हूँ। और मैं इसीलिए इसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ विंटर का ही नहीं, ये गर्मियों में भी थोड़ी ख्याल रखिएगा तो ये सालों भर चल जाएगा और फिर नेक्स्ट विंटर में भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो इसकी जो मेन चीज़ है वो दोस्तों वो मिट्टी है। आपको ये बहुत नाजुक टाइप की जो प्लांट है और इसके फूलों के भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं। तो मेरे पास ये दो वैरायटी हैं तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक थोड़े डार्क सैफ्रन है और एक है जो पर्पल आते हैं वो पर्पल कलर के हैं। तो मेरे पास दो ही वैरायटी है। तो अब मैं आपको इसके मिट्टी के बारे में जो बताऊँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मिट्टी आप इसकी कैसे लीजिएगा। सबसे पहले जिस पॉट में आप ले रहे हैं वो पॉट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही तरीके से वो उसकी ड्रेनेज होल उसकी सही रहनी चाहिए। बिल्कुल इसमें पानी नहीं ठहरेगा, पानी ठहरेगा तो ये तुरंत ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा ना, ये बहुत नाजुक सा पौधा है। और दूसरी बात है, जब आप इसकी मिट्टी लें तो 50% आप उसमें तो जो बालू आती है वो बालू लें, 25% बालू लें, या फिर आप बालू की जगह अगर इसे हैंगिंग बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कोकोपीट ले लें और 25% जो है गार्डन सॉइल ले, 25% पत्तियों की खाद ले या फिर काउडंग ले। और बालू की मात्रा या फिर जो मैंने बताया कोकोपीट की मात्रा वो आपको ठीक तरीके से लेना है, क्योंकि कोकोपीट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर हैंगिंग करना चाहते हैं और अगर नीचे रखना चाहते हैं तो बालू ले सकते हैं। वो क्या है ना कि इसमें पानी जो है वो ठहरने नहीं देगी, वो पानी को निकाल देता है, तो इसीलिए आपको उसी तरीके से लेना है ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेनेज हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता और थोड़ा अगर कम भी हो जाए तो इसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे मॉइस्ट सॉइल भी पसंद है लेकिन ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद है जो बिल्कुल ड्रेनेज हो जाए। अच्छा, मिट्टी बात करनी मैंने, अब मैंने इसमें जो आपको देना है पानी वो कैसे देना है। सबसे पहली बात है, अगर आप इसके स्टीम को गौर करें तो इसके स्टीम जो है ना ये थोड़े ट्रांसपेरेंट, मतलब बहुत ही जैसे सकुलेंट प्लांट की होती है उस तरह की भी होती है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें पानी कम देना है, कम इस तरीके से देना है कि आपको सबसे पहले मिट्टी को ऐसे पकड़ के चेक करना है। अगर आपकी मिट्टी में नमी बनी हुई है तो आपको इसमें पानी हरगिज नहीं देना है। और अगर आपके मिट्टी में पानी नहीं है तो आप देख रहे हैं कि वो सख्त लग रही है मिट्टी, तो आपको उसमें फिर पानी डालना है। और अगर आपको थोड़ी सी भी नमी लगे तो उसमें पानी मत डालिए, क्योंकि अगर ऊपर की थोड़ी हल्की सी नमी है इसका मतलब नीचे की मिट्टी जो है बहुत भीगी हुई है, तो उसे आप हमेशा ये से चेक कीजिए। अच्छा, और दूसरी और एक बात है दोस्तों, बारिश वगैरह से इस पौधे को थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि बारिश के पानी अगर ज़्यादा इसमें, जैसे मैंने कहा ना इस बार बारिश बीच बीच में हो रही है हमारे यहाँ, तो ये क्या हो रहा है ना कि अगर आप बारिश में थोड़ी ज़्यादा इसे रख देंगे ना तो फिर इसके फिर सड़ने गलने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी इसके जड़ों को, क्योंकि ये ज़्यादा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और कम पानी रहेगा तो आप देखिएगा पत्तियाँ मुरझाएंगी। से देखिए मेरे जो मैंने कल इसमें पानी दिए थे, आज भी देखिए इसमें मॉइस्ट है, तो मैं फिर आज इसे नहीं दूंगी, मैं फिर एक दिन छोड़कर, अभी जो मौसम चल रहा है इसे मैंने एक दिन बाद एक दिन रखना है।
और जैसा कि मैंने बताया कि इसे आप सालों साल चला सकते हैं इस प्लांट को, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको इस पौधे की इस तरीके से केयर करनी पड़ेगी कि ये साल मतलब नेक्स्ट ईयर भी आपको इसमें फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहली बात है, देखिए दोस्तों अभी तो गर्मी हल्की हल्की आ रही है, सुबह की धूप लग जाए ठीक है, नहीं तो आप ऐसी जगह रखें कि इसे मतलब सूरज की रोशनी तो मिले, सिर्फ सूरज की लेकिन सूरज की गर्माहट नहीं मिले, डायरेक्ट जो सनलाइट है वो नहीं मिले। ये मेरी हैंगिंग थी, ये देखिए ये मेरी हैंगिंग थी, तो मैंने ये देखिए देख रहे हैं ये मेरी हैंगिंग थी, तो मैंने इसे हैंग करके रखा था, लेकिन जैसे इसमें सूरज की धूप पड़नी शुरू हुई मैंने बरामदा के एक कॉर्नर में इसको किया है। यह मेरे तीन पॉट है, तीनों पॉट को मैंने बरामदा के कॉर्नर में कर दिया है, और इससे क्या होता है कि इसे सूरज की रोशनी तो मिलती है लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं मिलती है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये पौधे आपके सूखने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, ये इसके जो फूल है वो डिसकलर्ड हो जाएंगे और झड़ने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी, आपके ये पौधे जो हैं नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं रख पाएंगे। तो आपको ज़रूरत है कि उसे आप शिफ्ट करें। अब ये भी नहीं कि आप इंडोर रख लें, इंडोर रखिएगा तो ये नहीं चलने वाली है, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, थोड़ी सी और गर्मी पड़े तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, लेकिन दो तीन पौधों के बीच में रखें ताकि इसे मॉइस्चर मिलती रहे क्योंकि इसे मॉइस्चर भी पसंद है। और इसी तरीके से और रेनी सीज़न में आपको बहुत ख्याल रखना है कि इसमें जो इसका पानी है बारिश का पानी वो बिल्कुल नहीं लगे। फंगस इन्फेक्शन, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट ईयर के लिए बचा सकते हैं। फंगस इन्फेक्शन के लिए 10 दिन के अंतर में बिल्कुल इसे नीम ऑयल का स्प्रे करते ही रहे, नहीं तो इसमें फिर कीट पतंग वगैरह लगकर फिर आपके ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। अब प्रोपोगेशन की बात में आती हूँ, तो प्रोपोगेशन तो एक तो इसके सीड आते हैं, आपको सीड थोड़े से ख्याल करके, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको सीड, लेकिन ये जितने भी फूलों के ऊपर आपने देख रहे हैं ना ये सारे सीड ही हैं। तो फूल आपके झड़ जाने के बाद, ये देखिए फूल आपके झड़ जाने के बाद ये इस तरीके से ये डंड इसके रह जाते हैं डंठल, और ऊपर जो ये सीड है ये बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि ये बड़ी हो रही है, तो आपको इसकी अगर सीड लेनी है तो आपको थोड़ा दो तीन बस कुछ दिन आपको वॉच करना पड़ेगा कि बड़ी होंगी फिर सीड पकने के लिए, लेकिन पकते के साथ ही यही गिरा देते हैं अपने बीज, तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये इसके बीज है, अच्छा तो आप बीज से स्टोर करके रख सकते, बीज इसकी स्टोर करके रख सकते। दूसरी बात है इसकी प्रोपोगेशन आप इसकी कटिंग से भी कर सकते हैं, मैंने कटिंग से की है और मैं उसमें सक्सेसफुल हुई हूँ। कटिंग काटिए और कटिंग काटने के बाद उसे आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन है रूटिंग हार्मोन में उसे डिप कर लीजिए और फिर उसे लगा दीजिए, तो उससे भी ये लग जाते हैं। थोड़ी सी मैच्योर्ड जो आपकी स्टीम रहेगी, जैसे ये थोड़ी मोटी वाली है तो ये वाली देखिए ये वाली थोड़ी मोटी ब्रांच आपको लेनी है नीचे के तरफ से, और उसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग करके भी आप लगा सकते हैं इसे। तो इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन भी होगी, आप एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने इन सभी की प्रोपोगेशन की है और मैं एक ऐसे पौधे के नीचे लगा रही, मैंने कहा ना इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी सी बड़े पौधे के नीचे उसके उसके जो मैंने कटिंग किए थे उसे लगाए, तो क्या उसे छाया भी मिलती है और सुबह की धूप भी मिल जाती है, धूप की जो गर्माहट है वो मिलती है और पूरे दिन उसे मॉइस्चर भी मिलती है। तो इस तरीके से वो तो आपको भी मतलब इस तरीके से वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर गई और मेरे प्लांट लग गए, तो आपको भी उसी तरीके से इसके कटिंग को भी लगाइए, किसी बड़े से पौधे के जो पॉट है उसके नीचे लगाइए ताकि इसे मॉइस्चर भी मिले छाया भी मिले और वहाँ से ग्रो कर जाएगी। तो और तो मैंने बता दिया दोस्तों, अच्छा इसके जो खाद वाली बात है 10 दिन के अंतराल में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं बस इसके लिए वही काफ़ी, आप उसे दे दीजिए। अगर आपको लगे तो फरवरी का मंथ है तो इसे थोड़ी सी आप पत्तियों की खाद दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए। काउडंग अभी इसमें मत ही दीजिए, तो काउडंग से क्या होगी पत्तियाँ ही ज़्यादा निकलेगी आपकी और फ्लावरिंग कम हो जाएंगी, तो आप पत्तियों की खाद दे दीजिए, बस इसके लिए इतना ही है। बस सबसे बड़ी बात है इसकी पानी जो है वो आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से चेक करके दीजिएगा, और इसकी जो ड्रेनेज होल है वो अच्छी तरीके से आप मतलब देख लीजिए कि पानी निकल रही है नहीं,
नहीं निकलेगी तो बस आपके पौधे वहीं पे खड़ा। तो हर एक इसके लिए आपको ज़रूरत है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर ज़्यादा फूल लेना चाहे तो क्या करना है। जैसे ज़्यादा फूल लेना है तो जो फूल आपके स्पेंट हो गए हैं तो उसे ऐसे करके तोड़ कर फेंकते जाइए। अगर आपको बीज नहीं लेना है, जैसे ये देखिए मैंने बीज की जैसे उसे मैंने हटाया, ये देखिए यहाँ पर देखिए उसके ये गिर गए, बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको अगर आप इसमें से नहीं लेना चाहते हैं बीज तो उसे हटाते जाइए स्पेंट फ्लावर, तो आप देखिएगा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आपके पौधे में होंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों इसके बारे में मुझे जो जो पता था मैंने आपको बता दिया। ये पौधा लगाइए, बहुत खूबसूरत होता है, पूरे ढक जाते हैं फ्लावर्स से। इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं, दो मतलब एक दो दिन के अंदर ये भी पूरी ऐसे बहुत इसमें फ्लावरिंग हुए हैं, फिर भी पूरी ऊपर से ढक जाएगी। और इसमें भी देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बटन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही करती हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट फिर मैं अच्छी सी कोई फ्लावर के साथ, कई अच्छे से पौधे के साथ आपको फिर अपडेट दूँगी। तो गुड बाय दोस्तों।